अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ लाए। बंदा नाचीज अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर। मीरपुरखास में यूनिवर्सिटी का कैंपस था, अब उसे बाकायदा स्टेटस मिल चुका है, यूनिवर्सिटी ऑफ मीरपुरखास। मैं यहाँ मौजूद हूँ बिजनेस एरिना 2024। यहाँ यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म हैं, फीमेल स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट्स, और उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के यहाँ पर स्टॉल लगाए जिनमें बिजनेस को प्रमोट कैसे करना है, बिजनेस को कैसे रन करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर प्रैक्टिकली तौर पर दिखाई गई। तो मैं आपको कुछ विजिट कराऊंगा, यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ क्या कर रहे हैं बिजनेस के मैदान में, उनके पास कौन से आइडियाज हैं, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलें मेरे साथ चलें। मेरा नाम अली मुनव्वर है। अली मुनव्वर भाई, अली मुनव्वर से भाई से जो है सब मीटिंग मीटअप करा, बहुत बंदे, बहुत अच्छे बंदे जो है सो इनको सब्सक्राइब करे, लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, और बहुत ही तुम्हें भी लाइक करें, थैंक यू। बहुत ही अच्छे अखलाक के बंदे और इतने नाइस बंदे जिसकी कोई हद नहीं है, थैंक यू, थैंक यू मच। तो ऑल व्यूअर्स, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि बिजनेस के आइडिया नॉर्मली हम लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ कुछ थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बाज़ औक़ात आपको काम भी करना पड़ता है। तो इसी तरह का एक यूनिक आइडिया लेकर हमारे जो इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो मेरी दिली ख्वाहिश है, ख़ास तौर पर हमारी बच्चियाँ, फीमेल्स, ख़वातीन, जो कि हमारे माशरे में थोड़ा सा मायूब समझा जाता है, मैं यहाँ मौजूद हूँ। और ये गेम है, इस गेम के बारे में जानते हैं कि ये किस किस्म का गेम है। तो क्या गेम है, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम दुआ कुरैशी, और हमारा ये गेम है, ये पिंग पोंग बॉल इन अ कप। इसमें हम जो है बॉल को टिप करके देन हमें ग्लास में डालना होता है। अगर 5 ग्लास में चला गया तो आपको जो है टेडी बियर गिफ्ट मिलेगा, अगर 4 में जाता है तो आपको कीचेन मिलेगा, और अगर 3 में जाता है तो आपको डेयरी मिल्क मिलेगी। तो ये चीज मैंने तो फिल्मों में देखी है, रियल लाइफ में ये घूमता है चक्कर जी सर, इसको क्या कहेंगे, किस्मत का चक्कर, किस्मत का चक्कर ये सर। अच्छा हाँ, इसका नाम ही किस्मत का चक्कर आपको रखना चाहिए था। और ये तो एक्सरसाइज भी करता है बंदे को। अच्छा चलें, अच्छा ये टॉफियां गिफ्ट में है, ये अच्छा अच्छा पैसे भी है, ये पैसा कुछ जुआ नहीं हो जाएगा, बच्चों के लिए प्राइज। अच्छा बच्चों के लिए प्राइज, प्राइज ले लें या चीज ले लें कोई, ठीक है ठीक ठीक। अच्छा ये भी वो जीतने वाला है गेम है, इसके अंदर रिंग डालेंगे और प्राइज जीतेंगे। अच्छा पैसे नहीं है, पैसे नहीं, 50 रुपीज आप पैसे तो नहीं देंगे, आप चीजें देंगे यूनिवर्सिटी के ही है, ठीक है। सर ये कौन सा गेम है? पबजी। अच्छा वो लोग पबजी खेल रहे हैं, वो जीतेंगे तो ये नाम मिलेंगे। ये तो भाई एक बिल्कुल ही यूनिक किस्म का आइडिया मुझे लगा, पबजी का कोई स्टॉल, मैंने गेम पैसे अर्न करने वाला मैंने कोई नहीं देखा था। तो अच्छा एक गेम और है, ये जो गेम है ये भी हमने ये वाला, अरे अरे सर अपना कोई स्टॉल वगैरह है या इसी प्रोग्राम के लिए या कोई शॉप है अपनी? गपशप पॉइंट, ठीक है। तो ये गपशप पॉइंट की है आइसक्रीम, कौन कौन से फ्लेवर है अपने पास सर? हमारे पास कैमाकांस है, ब्लूबेरी है, सफेद क्रीम, पिस्ता। ज्यादातर जो है वो मुझे पैसे अर्न करने वाले गेम नजर आए, लेकिन उसके साथ लज्जत कामोदहन भी है, खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल हैं, कोल्ड ड्रिंक है, और अदनान शेख बीफ बिरयानी। अपने पास क्या है, फालूदा? कौन से वाला फालूदा है ये? मटके वाली। शहर में कहाँ लगाते हैं आप? पोस्ट ऑफिस चौक पर आप होते हैं, वो जो 2-3 ठेले लगते हैं, ठीक है ठीक है।
वालेकुम अस्सलाम। बयान नहीं देखूं तुम्हें, खत्म हो गई। चले ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? खैरियत से? नॉर्मली आम जिंदगी में भी बिजनेस है या यहाँ पर आम जिंदगी में ऑनलाइन या कोई ब्यूटी पार्लर क्या? ऑनलाइन भी है। अच्छा, ये किस काम आते हैं? ये डेकोरेशन। अच्छा, डेकोरेशन पीस। ठीक ठीक। हमारा अपने ऑर्गेनिक है। अच्छा, अपना प्रोडक्ट ऑर्गेनिक, ये नाम भी लिखा है। अपना जाति प्रोडक्ट है। ठीक ठीक ठीक। और ये हमारा पार्लर है, प्रोडक्ट वगैरह। तो ये कुछ बहनों का स्टॉल है जहाँ पर वो अपना जो उनका बिजनेस है ब्यूटिशियन कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, तो यहाँ भी उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ, लेकिन नॉर्मली वो अपनी फैमिली के लिए अर्न भी करती हैं। तो कहाँ पर है? मीरपुर खास में। और आप इन तक कैसे पहुँच सकती हैं या पहुँच सकते हैं, वो मैं इनसे पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। दरअसल हमारा डी स्टाइल स्टूडियो के नाम से फैशन ब्रांड है, उसके अलावा डी मेकअप स्टूडियो के नाम से हमारा ब्रांड है मेकअप का, कॉस्मेटिक्स का। उसके अलावा हमारा ब्यूटी सलून है, शहजियाज ब्यूटी सलून, और उसका जो एड्रेस है वो है किप्रो स्टैंड से आगे हमजा होम्स, वहाँ पर हमारा ये लोकेटेड है। और ऑनलाइन हमारे पेजेस हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, डी मेकअप स्टूडियो के नाम से, शहजियाज ब्यूटी सलून के नाम से आप विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। पूरी हमारी ऑर्गेनिक रेंज है वो आपको मिल सकती है, उसके अलावा हमारी कंप्लीट समर रेंज इसमें आ रही है। और मूमल मिस्ट के नाम से हमारी मिस्ट है, हेयर ऑयल्स हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, उसके अलावा हमारे पास कॉस्मेटिक्स है, हाई एंड भी है, ड्रग स्टोर भी है, सब कुछ अवेलेबल है। अभी इन फ्यूचर आपने ऑनलाइन का करना है? ये आपका बिजनेस है, ये नॉर्मल शॉप है कोई ऑनलाइन है? ऑनलाइन है। मेरा ख्याल है कि जितने लोगों के भी ऑनलाइन बिजनेस हैं, थोड़ा सा हम उन्हें प्रमोट भी कर दें और उनके जो बिजनेस ऑनलाइन लिंक्स हैं वो हम इनसे ले लें। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, ये पीछे भी लगा हुआ आपका, आप मुंह छुपा लें, छुपा लें। ये वेलकम टू, क्या है ये? लेमन्स ल्यूमिनस क्रिएट्स बाय सायरा। ये आपका इंस्टा पर है? ठीक है। तो भाई आपको अगर ये होममेड चीजें चाहिए, ये खुद की इनकी क्रिएशन है। अच्छा, आपकी मर्जी के मुताबिक भी आप अकॉर्डिंग इन चीजों को बनवा सकते हैं, तो कस्टमाइज हो सकती है, तो आप इनसे रابطہ कीजिएगा। इंस्टाग्राम पेज है मेरा आर्ट बाय डॉट बिस्मा 01 से, और इस पे बैनर पे टिकटॉक भी अकाउंट दिया हुआ है एश इट्स बिस्मा 01 के नेम से, एंड व्हाट्सएप नंबर भी है। आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज चीजें करवा सकते हैं, ज्वेलरी, कार हैंगिंग मोल्ड्स, पैंस, किचन्स पे पिक्स, नेम्स वगैरह जो चाहे वो आप लगवा सकते हैं, और पैंस से भी आप नेम वगैरह लिखवा सकते हैं। तो कुछ थोड़ा सा पार्टिसिपेट हमारा इस तरह से है इन सब चीज़ों में, गर्मी बड़ी शदीद है कि हम लोग थोड़ा सा प्रमोट भी करते हैं। काफ़ी बड़ा एरिना है ये, हज़ारों लोग हैं यहाँ पर। तो ख़ास तौर पर दिलचस्पी है कि कुछ ख़वातीन के जो ऑनलाइन बिजनेस हैं उनको थोड़ी सी प्रमोशन मिल जाए, और ख़ास तौर पर वो खुद से जो चीज़ें क्रिएट कर रही हैं। ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम, आपकी अपनी क्रिएशन है? जी। अच्छा, जिसका है वो गई, खुद से बनाते हैं घर पर? जी। ऑनलाइन घरों पर कोई शॉप वगैरह? शॉप नहीं है, इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन है। आपको पता है इनका इंस्टाग्राम लिखा हुआ है कहीं? रिबन आरा। क्या नाम है? रिबन आरा। रिबन आरा इंस्टा। ठीक, चले ये बड़ा वाला है। तो आप अगर ऑनलाइन यहां से आप इनसे रابطہ कर सकते हैं। तो नॉर्मली यहां मुझे तीन चार किस्म की चीजें ज्यादा नजर आई, खाने पीने की चीजें या कुछ अर्न करने की या जाति क्रिएशन लोगों की होममेड। ये मुझे एक यूनिक चीज नजर आई है यहाँ पर, ये एक प्लॉटिंग का स्टॉल है, और ये है एल एम रेजिडेंसी, कराची बिल्डर्स एंड डेवलपर्स।
तो अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि ये कराची डेवलपर्स बिल्डर्स का ये जो मंसूबा है इसको मैनेज कर रहे हैं। तो सवाल मेरा यही है कि यार यहाँ ये बिल्कुल एक यूनिक आइडिया है, कैसे ख्याल आया अली, कैसे ख्याल आया? ख्याल ऐसे आया जनाब कि कराची बिल्डर्स मीरपुर खास सिटी के अंदर 40 साल से अपनी खदमात अंजाम दे रहा है और तकरीबन हमारे 30-35 प्रोजेक्ट्स हैं माशाल्लाह। और हम ऐसे इवेंट्स में जाते रहते हैं अरीना टाइप के, जैसे फूड मेला हो गया, जितने भी स्टॉल्स होते हैं यहाँ पर हम अपना स्टॉल रहते हैं प्रमोशंस के लिए। रिस्पॉन्स यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स आके पूछते हैं कि ये तो उनके फादर के काम की चीज़ें, खाले के स्टूडेंट्स के निकाल स्टूडेंट्स के फ्यूचर के फ्यूचर में जो काम है फ्यूचर्स के लिए हैं। ये हमारा नया प्रोजेक्ट है एलएम रेजिडेंसी, लाल मोहम्मद रेजिडेंसी, जो बिल्कुल तबलीगी मरकज के सामने है, अपोजिट है मेन रिंग रोड पर। यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट करें इंशाल्लाह प्रॉफिट, और अच्छी जगह है, आबादी के बीचों बीच है। अगर हम कोई कस्टमर लेकर आए, आपके पास क्लाइंट लेकर आए, आप क्लाइंट लेकर आए बिल्कुल आपको इस हवाले से, यूट्यूब के हवाले से हम उस पर डिस्काउंट देंगे। गुड, थैंक यू अली, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। ये वो चीज़ है, मुझे मालूम नहीं कि माँ की गोद से जुदा होते हुए कब मेरा किताबों से ताल्लुक पैदा हुआ, मैं खुद नहीं जानता। होश संभालना और किताब, शायद ये दोनों का साथ में कुछ चोली दामन का साथ रहा है। ये सच है, बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई आपको लगता है कि आप तो यार बहुत ज़्यादा उम्र के हैं, आपकी याददाश्त, आपकी नॉलेज, तो एक तो होता है किताबी जुमला, फिल्मी डायलॉग, लेकिन सच में ये किताब जो है ना, ये मेरी पहली साथी है। कहते हैं तन्हाई की दोस्त है, बहुत सारी बातें, लेकिन ये सच है उन लोगों के लिए जो मुताला करते हैं। कैसे हो लोग भाई, खैरियत से हो आप लोग? yes, सब ठीक हो, मजे में हो? yes, स्टूडेंट्स हो, आउटसाइडर हो? अच्छा, चलें, ये तो बहुत अच्छी चीज है। शायद भाई पहली किताब कोई किस उम्र में पढ़ी थी आपने? जी, मैंने पहली किताब जो पढ़ी थी वो उस वक्त मैं शायद 6th में था या 7th में था, तो ये बात मैं बता रहा हूँ 1986 या 7 की। तो लेकिन जब मैं मैट्रिक में पहुँचा 1990 तक, तो मैंने खुद लिखना शुरू कर दिया था। 1990 में मैंने बच्चों के लिए लिखना शुरू किया, पोइट्रीज लिखना शुरू की, और ये नतीजा किताब को पढ़ने की वजह से ही था। जब हम किताब पढ़ते हैं तो लामहाला फिर हमारे जहन में मुख्तलिफ आइडियाज़ आते हैं, फिर वो तख्लीकात बनना शुरू होते हैं। एक बच्चा नॉवेल पढ़ता है, कहानी पढ़ता है, तो वो उस कहानी में बतौर किरदार ढल जाता है। बात यह है कि मेरा एक छोटा सा पैगाम बच्चों के लिए है कि किताबें पढ़ें और किताब से दोस्ती करेंगे तो आपको लफ्जों की पहचान होगी और दुनिया की भी पहचान होगी। आप शायद भाई 6ठी और 7वीं में थे जब उन्होंने पहली किताब पढ़ी। अब मैं एक मजाक करने लगा, मैं पहली क्लास में था जब मैंने पहली किताब पढ़ी। ये मजाक तो नहीं लगा आपको? मजाक ही है ना, मजाक है यार। निसाब की नहीं, गैर सिलेबस, गैर निसाबी किताब में पहली क्लास में था। अब आप सोचते रहें, आप इसे सोचते रहें, इसे सच माने या झूठ, लेकिन ये सच है। नॉर्मली आपका बिजनेस है या यूनिवर्सिटी फेलो? यूनिवर्सिटी नॉर्मली नहीं करते? अस्सलाम वालेकुम बहन, बिजनेस है आपका या यूनिवर्सिटी के लिए लगाया? तो इन फ्यूचर की इरादा है कुछ? अच्छा, बहुत अच्छा काम है ये। एक रेस्टोरेंट खोला जाए जिसमें खातून गोलगप्पे बनाकर दे, ये एक यूनिक आइडिया है, ठीक है ना? मीरपुर खास के लेवल पर आप एक अच्छा बिजनेस रन कर सकती हैं। तो राह में चलते हुए सैकड़ों हजारों न जाने कितने व्यूवर मिलते हैं, तो एक और अस्सलाम वालेकुम। कैसे? अल्लाह का शुक्र है। और ये हमारे बाकायदा व्यूवर हैं, कहाँ रहते हैं आप? मैं सर जुनेजो क्वार्टर्स में रहता हूँ। इस्लामाबाद पढ़ रहे थे? जी, वहाँ पे मेरा बिजनेस भी है और मैं वहाँ पढ़ता भी हूँ। अब ये इसके लिए एरिना के लिए आए या नॉर्मली? वैसे नहीं, मैं वैसे छुट्टियों में आया था तो पता चला कि फेस्टिवल है, मैंने कहा चल एंजॉय करते हैं जाके। अच्छा, ये बताएं, मेरी वीडियोज आप मुस्तकिल देखते रहते हैं, कैसी लगती है? जी माशाल्लाह, आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलती हैं शायद हम मीरपुर खास में रह के भी हमें नहीं पता होती।
बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर, आउटसाइडर भी हैं जो परमानेंट अपना ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होते हैं, तो अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और ख़ास तौर पर जो खाने पीने की अशिया हैं, चूँकि फीमेल में एक तासर तो यही है कि वो खासी मकबूल होती है। क्या किया सर, हम भी थोड़ी तफरी कर लेते हैं, क्या किया सब स्टूडेंट से कैसा लग रहा है? ना ना, आप स्टूडेंट्स हैं? सारे आदमी हमने ड्रामों में, फिल्मों में देखा होगा कि एक हीरो होता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, साथ में गिटार बजाता है, म्यूजिक गाना गाता है, होता है ये यूनिवर्सिटी में, होता है कुछ ऐसा। अच्छा, नाम बताएं अपना। एसएम तारिक नाम है मेरा। एसएम तारिक जी, कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है मेरे को खास में यूनिवर्सिटी के अलावा? मैंने यूनिवर्सिटी में बिटाई डेंटल में परफॉर्म किया और आज यहाँ किया, नहीं तो मैं परफॉर्म वगैरह नहीं करता था। बिटाई डेंटल में जो लास्ट प्रोग्राम हुआ था उसमें मैं भी था, मैंने आपको शायद परफॉर्म करते हुए देखा होगा और मैंने वीडियो भी बनाया। फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था और यहाँ पे मैं सेकंड टाइम। कौन सी फेवरेट धुन कौन सी ज्यादा बजाते हो अपनी तन्हाई में, अपने सुनने के लिए? मैं अपने सुनने के लिए मैं क्लासिक ज्यादा सुनता हूँ। कौन सा क्लासिक है? आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का सुर। आप बैठे हैं बाल इक, 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 इसके साथ मौत का जोर चलता नहीं है, मौत मुझको दबा ले, क्या करूं दम निकलता नहीं। थैंक यू एसन, आपका नाम भी अनाउंस हो गया, तो आप परफॉर्मेंस दें तो फिर हम भी वो भी देखें। ये मेरे नन्हे यूट्यूबर फॉलोवर मिले हैं, सब्सक्राइबर, कैसे हो, क्या नाम है बेटा? आरफिन, मोहम्मद आरफिन। हाँ, मोहम्मद आरफिन। मोहम्मद आसिम, और तुम्हारा? अब्दुल्ला यासिन। चले बेटा, खुश रहो, ठीक है, थैंक यू। Sajjad
Thank you.